हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 319 में। अभी तक जो चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो। 40 काउंट का टारगेट है तो वो भी कर दो, अच्छा लगता है। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने लिनपैंग को देखा था, जो बड़ी सी ड्रैगन साउंड फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और वो जो बड़ी सी ड्रैगन साउंड फॉर्मेशन होती है, वो लिनपैंग की काफी ज्यादा पावर को कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे लिनपैंग के मुंह से ब्लड निकलता है। और साथ ही लिनपैंग कहता है कि मैं और ज्यादा यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं इतनी देर तक ड्रैगन साउंड फॉर्मेशन कंट्रोल नहीं कर सकता। ड्रैगन साउंड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करती है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मर जाऊंगा। जल्दी से जल्दी जाके किसी सेफ प्लेस को ढूंढना होगा, वहां पे जाके मुझे अपनी जो पावर है उसको रिकवर करना होगा, इससे पहले कि ये लोग मुझे ढूंढ ले। जबकि लिनपैंग को साइड से आवाज आती है, जब वो साइड में देखता है तो वहां से उन सबका लीडर निकलता है और कहता है, लिनपैंग कमीने कही के तू हमसे कहीं भी नहीं छुप सकता, हमने तेरे को ढूंढ लिया, अब तू गया, अब तू मरने वाला है। जबकि दूसरी साइड से एक और निकलता है और वो कहता है, लिनपैंग कमीने तू जा भाड़ में, जा हेल में जा। दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हमला लिनपैंग भी करते हैं, पर लिनपैंग की स्पीड ज्यादा होने के कारण वहां से भाग जाता है। जबकि लिनपैंग जाते हुए मैं सोच रहा होता है, वाकई में ये बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था, अगर मैं थोड़ा सा भी देरी होती तो मैं वहीं पे मर गया होता, मेरी लाश भी नहीं बचती, वो लोगों ने बहुत ज्यादा पावरफुल हमला किया था। लिनपैंग भागते हुए जा रहा होता है, रात के टाइम होता है, भागते हुए जा रहा होता है, अचानक से उससे पानी दिखाई देता है, उसके नीचे पानी होता है बहुत ज्यादा। लिनपैंग भाग के जाके उस पानी के अंदर चले जाता है और लिनपैंग वहीं पे अब छुपने वाला है, जिससे वो लोग उसे ढूंढ ना पाए और वहीं पे लिनपैंग अपनी पावर को रिकवर कर ले। वह पानी के अंदर जाके वहीं पे कहीं पे छुप जाता है, जबकि ऊपर जो मास्टर होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं पानी के ऊपर और कहते हैं, ये कमीना लिनपैंग ये छुपने बहुत ज्यादा उस्ताद है, हम यहाँ पे आए नहीं कि इससे पहले पता नहीं है कहाँ पे छुप गया। उनका लीडर कहता है, मुझे लग रहा है वो शायद से पानी के नीचे होगा, हमें जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना होगा इससे पहले कि वो अपनी सारी पावर्स को रिकवर कर ले। वो एक तरह का मॉन्स्टर है, वो कभी भी किसी को मार सकता है, उसके पास पता नहीं और कौन सी ट्रिक होगी। उसकी पावर अभी एग्जॉस्टेड है, पूरी तरह से खत्म है, हमें जल्दी से जल्दी उसकी पावर को रिगेन होने से पहले उसको मारना होगा, इससे पहले उसकी पावर रिकवर हो जाए। रोजन का लीडर होता है, वो कहता है कुछ लोग यहीं रुको, कुछ लोग मेरे साथ नीचे चलो, हमें पानी के अंदर जाके उसको ढूंढना होगा, पानी से बाहर आने के बाद ऊपर वाले जो यहाँ के लोग हैं वो उसको मार देना। फिर दिखाते हैं जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो पानी के अंदर एक ही तरह से जो है पानी के अंदर जाते हैं, वो होते हैं वो अपने आर पार जो होते हैं, मतलब अपने आस पास एक तरह के बबल को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में सांस ले सकते हैं। वो ऐसे ही करते हैं, जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं, वो भी अपनी तरफ चारों तरफ बबल बना के। उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि थोड़े सावधान रहना, और वैसे सामने देखो, सामने मुझे कोई बबल दिख रहा है और ये हमारे लिनपैंग का बबल होता है। लीडर होता है वो कहता है, वो देखो वो मुझे मिल गया, वो कमीना मिल गया, जाओ जाके हमला करो उस पे। एक बंदा लीडर की बात सुन के आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लिनपैंग नोटिस कर लेता है कि उनने उसको ढूंढ लिया है। उधर हमारे लिनपैंग के करीब आता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है लिनपैंग हमला करने के लिए, पर उससे पहले लिनपैंग उसको देख लेता है। साथ ही लिनपैंग जो होता है उसके ऊपर हमला करता है अपने पंच के साथ, जब वो पंच लगाता है पता नहीं उसकी डेविलिसी पावर रिलीज होती है, डेविलिसी पावर को रिलीज करते लिनपैंग उसे पंच लगाता है और कहता है, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि लिनपैंग का वेट कर रहे होते हैं कि वो कब बाहर आएगा। अचानक से पानी के अंदर से कोई बाहर निकलता है और जो बाहर निकलता है वो असल में हमारा लिनपैंग ही होता है। लिनपैंग वहाँ से पानी के अंदर से बाहर निकलता है, फिर जो सबका लीडर होता है वो कहता है लिनपैंग से कि वाकई मैं तो जूयू किंगडम के टॉप के जीनियस होने लायक हो, तुमने हमारी टीम में से पूरे यानी लिम के 6th और 7th लेवल के बंदों को इजीली हरा दिया, तुम जीनियस होने के लायक हो वाकई में। लिनपैंग की आंखें बंद होती है, फिर वो आंखें खोलती है, उस बंदे से कहता है, वैसे जल्दी से ये बताओ क्या तुम टियानफैंग किंगडम से हो? बंदा कहता है, हाँ हम टियानफैंग किंगडम से, तुमने हमारे साथ और हमारे पूरे किंगडम के साथ बहुत बुरा किया, तुमने हमारे प्रिंस को मार डाला, इसका बदला हम तुमसे लेके रहेंगे, तुमने जो भी हमारे टियानफैंग किंगडम के साथ किया उसके सबका बदला हम लेने वाले हैं, और आज तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे इससे पहले कि तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो ना कर पाओ। लिनपैंग उस बंदे से कहता है, चलो जल्दी से ये बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे और तुम लोग टियानफैंग सिटी में आए कैसे, इस टियानलोंग सिटी में आए कैसे, तुम इसके अंदर कैसे आ पाए, तुम्हें आखिर मेरे बारे में पता कैसे चला कि मैं टियानलोंग सिटी में हूँ। जबकि वो जो मास्टर होता है, लीडर होता है सबका, वो कहता है, कमिल लिनपैंग कही गए आज तू यहाँ पे मरने वाला है और तू सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, हम तेरे कोई भी सवाल का जवाब क्यों दे भला, ने यहाँ पे इतने सारे लोगों को ऑफेंड किया है, मरने के लिए तैयार हो जा, आज हम तेरे को यहाँ पे मार डालेंगे, तो तू जाके हेल में जाके ये सवाल पूछो किसी से। लिनपैंग बस उससे ये कहता है, कौन, और इसके साथ वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, सर बंदा हंसते हुए कहता है कि तू कमीने कही के तू यहाँ पे मरने वाला है और पूछ रहा है कि कौन तेरे को मारेगा, हम तेरे को मारने वाले हैं यहाँ पे, और हमें तेरे को मरवाने के लिए किसने भेजा है ये तो पूछ ही मत, क्योंकि हम तेरे को यहाँ पे भला क्यों बताया है, तू होता कौन है, तू यहाँ पे वैसे ही मरने वाला है, तू जान के करेगा भी क्या। साथ ही वो बंदा हंसते हुए कहता है कि चल ठीक है लिनपैंग, वैसे भी तू यहाँ पे मरने वाला है तो तेरी आखिरी इच्छा समझ के मैं यहाँ पे तेरे को बता ही देता हूँ, 10,020 सेक्ट का जो डिसाइपल है उसने यहाँ पे ये सब किया है, जो कि तुम्हारे जूयू किंगडम में से आता है। लिनपैंग कहता है, वो किंग जिनरेन क्या वही है? वो जो लीडर होता है वो सबका कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ नहीं है, और भी लोग हैं जो तुम्हें यहाँ पे मरवाना चाहते हैं, तुमसे बदला लेना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जूयू किंगडम से जो तुम्हें मरवाना भी चाहते हैं।
दो लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे ब्रदर हैं और वही तेरे को मरवाना चाहते हैं, वो मैन एंड ब्लैक भी कह सकते हो, बस तुम्हें बस मरा हुआ देखना चाहते हैं। तो ठीक है, हमने अभी बस उनकी ख्वाहिश को पूरा किया, उनकी भी यहाँ पे मदद हो जाएगी अगर हम तुमको मार देते हैं तो। इनमें उन्हें सोच रहा होता है, यहाँ पे ये कह रहा है कि दो लोग, दो ब्रदर्स और साथ ही दो मैन एंड ब्लैक जो कि हमारी टोटल टीम में से ये पता नहीं आखिर वो कौन होंगे। हम तो यहाँ पे जूयो किंगडम से सिर्फ 8 लोग आए हैं, एक तो है यू टियानमिंग और वो किंग, तीसरा है यूकेन, चौथा है यूजियान, बाकी के कुछ और लोग भी आए हुए हैं और उनको मिला के टोटल हम 8 लोग हो जाते हैं। पता नहीं आखिर मैन इन ब्लैक आखिर हमारी टीम में थे या नहीं वो तो पता नहीं, बट ये अभी तक इन लोगों ने अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लगता है ये कोई ना कोई पीछे छुप के हम हमला करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर सबको सोचने के बाद कहता है यूकेन और यूजियान शायद यही वो दो लोग हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो जो कि यहाँ पर मुझे मरवाने के लिए उन लोगों ने भेजा है। साथ ही कहता है कि मैं समझ गया आखिर मेरे को किसने यहाँ पर मरवाने के लिए भेजा है, क्योंकि मैं समझ गया कि किसने यहाँ पे तुम लोगों को मेरे को मारने के लिए भेजा हुआ है। जो लीडर होता है वो कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें याद आ गया, ठीक है अच्छी बात है, बट तुम वैसे भी यहाँ पे मरने वाले तो याद आके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जिन पे यहाँ पे एक डेविलिश स्माइल देता है और साथ ही बड़ी सी डेविलिश एक और स्माइल देता है और साथ ही वो अपनी एविलिश की पावर को रिलीज करता है। ईविलिश ऐसा होता है पता नहीं जाने दो। साथ ही वो अपनी डेविलिश की पावर को रिलीज करता है और साथ ही कहता है कि हाँ आज तुम लोग यहाँ पे मरने वाले हो और किसी को भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा, भनक भी नहीं चलेगी कि किसने तुम लोगों को मारा है। साथ ही वो जितनी भी अपने अंदर से वो जो मैजिक सॉर्ड होती है जो कि आपने पिछले एपिसोड्स में बहुत पिछले एपिसोड में देखा होगा कि लिन फेंग एक मैजिक सॉर्ड माउंटेन पे गया था, ऐसे ही नाम था कुछ, वहाँ पे जाके उसे बहुत सारी पावरफुल मैजिक सॉर्ड मिली थी जो कि अपने बॉडी के अंदर उसने संभाल ली थी। अब लिन फेंग उन्हीं तलवारों को बाहर निकालता है जो कि मैजिक सॉर्ड होती है, सारी कहता है कि चलो जल्दी सारी तलवारें बाहर आ जाओ क्योंकि वो डेविलिसी तलवारें होती है तो इसलिए हमारे लिन फेंग से बहुत ज्यादा डेविलिसी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो तो बंदा कहता है ये तो वही मैजिक स्वॉर्ड है जो कि 9 लेजेंडरी स्वॉर्ड माउंटेन से है। क्या इस बंदे के अंदर इतनी सारी तलवारें कैसे हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा तलवार है, कोई बंदा है इसके अपने अंदर इतनी सारी तलवारों को नहीं सह सकते, बहुत ज़्यादा डेविलिश पावर रिलीज करती है। तो समझ नहीं आ रही आखिर ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे, ये मॉन्स्टर ही हो सकता है अगर इसने अपने अंदर इतनी सारी तलवारों को समा रखा है तो। लिन फेंग की बॉडी पे अब खुद का कंट्रोल नहीं होता, उसकी जगह कोई और ही डेविलिश बंदा मतलब बात कर रहा होता है और साथ ही वो सामने वालों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले मैं तुम सबको मार डालूं। बंदा मन में सोच रहा होता है वही लीडर जो कि मन में सोच रहा होता है अब यहाँ पे हम भाग भी नहीं सकते हैं, ये डेवल पर्सन है, अगर यहाँ से भाग भी जाते हैं तो ये पीछे से हमला करके मार डालेगा, एक डेवल किसी को नहीं छोड़ता, उसके सामने जो भी उसको मार डालता है, लगता है हम यहाँ पे मरने वाले हैं और इसकी पूरी बॉडी पे एक डेवल ने कब्जा कर लिया है, अब यहाँ पे हम भाग भी नहीं सकते। और ये जो मैजिक स्वॉर्ड है ये इतनी ज़्यादा डेविलिश है कि जब किसी की बॉडी पे कंट्रोल करती है तो वो एक तरह से डीमन ही बन जाता है, उसकी पूरी बॉडी पे एक डीमन हावी हो जाता है। फिर दूसरे साइड खड़ा बंदा कहता है कि लीडर अब हम क्या करें, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इसकी पूरी बॉडी पे पूरी तरह से डीमन ने कब्जा कर लिया है और उसके पास तो वही मैजिक स्वॉर्ड है जो कि लेजेंडरी स्वॉर्ड माउंटेन से है, कोई बंदा अपने अंदर इतनी सारी स्वॉर्ड को नहीं समा सकता, ये मॉन्स्टर है, हमें ऐसे भागना होगा। क्योंकि लिन फेंग साथ ही अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो मार डालो उन सबको, और लिन फेंग की जितनी भी स्वॉर्ड होती है मैजिक स्वॉर्ड वो आगे बढ़ती है उन सभी लोगों को मारने के लिए। और इसी स्वॉर्ड के हमले के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, मुझे बचाओ कोई बचाओ, और इसी के साथ वहाँ पे लाशें गिरने लगती है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आता है तो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट 40 टारगेट है तो 40 कमेंट का टारगेट है तो कंप्लीट कर देना, अच्छा लगता है दिल से भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, सन आर पीस, गुड बाय।